बिग है तो उसकी वो अनस्टेबल होता जाएगा ऐसा ऐसा सबसे ज्यादा जो अब प्रॉबी एलिमेंट्स होते है न, uh, हैं ना जो यूनिवर्स के अंदर ना वो ये छोटे आइटम्स हैं। जैसा हाइड्रोजन है हो गया हीलियम हो गया ठीक है ही दो प्रोटॉन है दो न्यूट्रॉन है उनको संभालना कोई मसला ही नहीं है uh, लेकिन जैसे जैसे ये आप बड़े आइटम्स की तरफ जाते हो ना ये देखो ये क्या नाम है इसका थेलियम जो है इसके दो सौ चार न्यूक्लियन है दो सौ चार टू हंड्रेन फोर उसका तो सोच सोचो कि इसका न्यूक्लियस जो है वो कितना अनस्टेबल होगा 204 सौ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को संभालना बहुत मुश्किल काम है उसी तरह ये आपके यूरेनियम वगैरह होते हैं ठीक है थीके? वो इधर अच्छा और... नहीं नहीं दिया हुआ अच्छा उसने किया इस वाले में किया लेकिन देर, देर इस युरेनियम, युरेनियम तो वो आ, वो बहुत ही अनस्टेबल होता है वो यूरेनियम टू टू थर्टी सेवन होते हैं उसके पास आ, और ये देख ये भी देख लो कुछ एलिमेंट्स हैं जो बहुत वो इतने अनस्टेबल होते हैं कि जैसा ये है इनके तो नाम ही नहीं पढ़े जाते ये वाला आप देखो ये जितना बड़ा उसका न्यूक्लियस होगा ना टू नाइनटी फोर प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन्स तो ये बहुत ही अनस्टेबल है ये लैब के अंदर ना, ना थोड़ी देर के लिए एग्जिस्ट करता है और ये डिकम्पोज होते हैं, ये डिकम्पोज नहीं रेडियो एक्टिवली डिके करते हैं तो बिगर न्यूक्लियस ठीक है बिगर न्यूक्लिया देके एंड दे रेडियो एक्टिवली डिके क्योंकि जितना बड़ा न्यूक्लियस होगा ना दैट्स गोइंग टू बी तो यूरेनियम इज द प्राइम एग्जांपल यूरेनियम 235 uh, 92 उसके प्रोटॉन होते हैं और 235 उसके टोटल न्यूक्लियंस होते हैं अब uh, भाई माइक म्यूट कर लो आप ठीक है थैंक यू अच्छा uh, मैं ये एटॉमिक स्ट्रक्चर कह रहे हैं uh,

तो दीस आर नोन एज रेडियो एक्टिविटी एंड रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स आर एमिटेड तो आपके न्यूक्लियर रिएक्शंस वगैरह ये पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि ये आपकी ह्यूमन बॉडी के थ्रू ना उनके उनके एटम्स के साथ कोलाइड कर रहा होता है इसलिए वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स से करीब जाते हैं जब रेडियो एक्टिविटी से बहुत सारे डिजास्टर्स हो चुके फुकुशिमा था और एक वो चेर्नोबिल था तो ये बहुत बड़े जो एटम्स uh, होते हैं ना एक तो वो मिलते नहीं है यूनिवर्स के अंदर ना बहुत ही कम होते हैं जैसा ये ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना जो बड़े एटम्स है ये इनकी एग्जिस्टेंस जो है ना वो बहुत ही मुश्किल है इतने ज्यादा वो किस तरह सम्भाल सकते हैं तो वो अगर बन भी जाए ना गलती से तो वो बहुत ही जल्दी डिके कर जाते हैं उनके प्रोटोन और न्यूट्रॉन्स टूट टूट के ना छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं और उनका न्यूक्लियस जो है ना वो ज्यादा स्टेबल स्टेबल एटम्स में कन्वर्ट हो जाता है द सेम इज विद यूरेनियम जो है ना दैट्स एक तो वो मिलता बहुत मुश्किल से आप एक पूरा पहाड़ माइंड करोगे ना उसके अंदर फिर जाके थोड़ा सा ना वेरी टाइनी क्वांटिटी ऑफ फॉर्मड बट योर बिगर आइसोटो देर रेडियो एक्टिव और रेडियो एक्टिविटी के बहुत सारे वन इज यूज्ड एज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ठीक है दैट्स वन फिर और क्या के मेडिकल इमेजिंग में यूज होते हैं जिसना ब्लॉकेजेस वगैरह पता करनी है तो ये पार्टिकल्स जो होते हैं ना ये uh, इस तरह के पार्टिकल्स वो रेडियो एक्टिव होते हैं और वो इमिट कर रहे होते हैं रेडिएशन तो आपकी वेन्स वगैरह में इंसर्ट करते हैं जैसा अगर किसी की देख रहे हैं कि आर्टरी कहाँ पे क्लॉग हुई हुई है तो एक जगह जाके ना वो आपकी बॉडी के अंदर ना वो पार्टिकल्स फंस जाएंगे कि वहां पे आर्टरीज वगैरह ना ब्लॉक होंगी तो उधर से ना ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स इमिट हो रहे होंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वो एरिया जहाँ से वो पार्टिकल्स uh, इमिट हो रहे हैं तो यहाँ पे आपके जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल तो मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत यूज होते हैं लॉट्स ऑफ योर स्कैनर्स ठीक है आपकी मेटल थिकनेस वगैरह चेक करनी होती है एक्सरेज इज़ वन एग्जाम्पल ऑल दो और एक्सरेज में भी कुछ इसी तरह और होता है मेडिकल इमेजिंग एक्सरे में ही आ जाती है तो ये रेडिएशन वगैरह से ना यू कैन एक्चुअली फिगर आउट थिंगस कि स्कैन कर सकते हो चीज़ें क्योंकि ये पार्टिकल्स इतने छोटे इमिट कर रहे होते हैं कि वो दे कैन पास थ्रू एनी थिंग तो उससे ना थिकनेस पता लग जाती है थिक चीज़ों में से वो प्रॉब्लम मुश्किल से पास करेंगे बहुत ही थिन चीज़ें होंगी तो ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स बड़े आराम से पास कर जाएंगे

in this one hopefully everyone can see this we can start with these questions now the first question is okay uh, in the first question you're being asked uh, to uh, about zirconium it's a period 5 element its main oxidation state dV or singer the following are all zirconium atoms uh, or all of them are given and you're being asked if you look over here, in terms of number of electrons, neutrons, and protons, how are these three atoms the same and how are they different? Uh how are these three atoms? Catchy in three atoms the same. Number of they have the same number of protons? they have the same number of protons. How of about 40? all of them 40 protons, or you can also say they have the same number of uh, electrons as well. TK, that that thing is same. Same protons, same electrons. And why are they different? Different nuclear number. Nuclear, specifically, remember uh, when you're answering questions, ke question ko exactly, put, man, hai, lekin wo dekha karo ke what exactly is he asking for? Wo kele, in terms of electrons, protons and neutrons. There are different because there's uh, more neutrons. Okay, but there's, there's a different number of neutrons. Ke. 90 minus 40, that's 50. 91 minus 51. So they are different because they have each one has a different number of neutrons hmm, sir yes so uh, two dis there's two statements would gain three marks Haan, electrons or protons ge, no? okay I said next one said remember one thing ke when you are answering uh, questions about chemistry or any sciences

ठीक है ये भी हमने पढ़ा यूरेनियम ठीक है देन यू हैव स्टेट वन मेडिकल एंड वन इंडस्ट्रियल यूज ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ये भी हमने भी पढ़ा है कि मेडिकल क्या था मेडिकल इमेजिंग सर कैन आल्सो मेडिकल इमेजेस कैंसर सेल्स क्या चीज ठीक है वो उसमें इंडस्ट्रियल स्कैनर्स टू चेक मेटल थिकनेस अच्छा नेक्स्ट वन अब ये इक्वेशन अभी अभी हम नहीं करेंगे ठीक है इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर इन साइड रिएक्टर रियाक्ट अच्छा ये हम कर लेते हैं कॉमन सेंस है एक्सप्लेन वाई द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन रिएक्टर ग्रेटली इज द डेंजर ऑफ द एक्सीडेंट तो थोड़ा सा जनरल नॉलेज हाइड्रोजन जो होती है वो कम्बस्टेबल होती है ये ऑबली हमने अभी किया नहीं है लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो कम्बस्टेबल होती है और ऊपर से न्यूक्लियर रिएक्टर है तो फट सकता है अगर वो हाइड्रोजन गैस बर्न कर जाए डिफाइन द टर्म आइसोटोप कौन से दो पॉइंट्स होंगे जस्ट सेम पुट बट डिफाइन न्यूट्रॉन नंबर ठीक है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट सेम नंबर प्रोटॉन्स ठीक है एक सेम प्रोटॉन्स डिफरेंट न्यूट्रॉन्स उसको सेंटेंस बना दो या मैंने कहा था कि आप इसको वो लिख सकते हो सेम अटोमिक नंबर डिफरेंट न्यूक्लियर नंबर बस वो नहीं लिखना रिलेटिव अटोमिक मास नहीं लिखनी कि सेम प्रोटोन नंबर डिफरेंट रिलेटिव अटोमिक मास क्विकली कितने प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स है इसमें 73 butons, 73 butons, 78 butons, 78 butons. कितने न्यूट्रॉन्स 78 सर 78 ठीक है

कि 54 वाला किधर गया हमारा वो आ, टेबल तो हमने बस जाके देखना है कि 54 पे क्या चीज है कहां पे आ रहा है 54 बस अच्छा वो 54 ही नहीं है जीरो ने है ठीक है दिस इज 54 तो उस पे जाके बस जीनों लेक दो ठीक है जस्ट रिमेंबर दिस कि एवरी एलिमेंट इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स प्रोटॉन्स। दुनिया जहां में जो भी कार्बन होगा ना उसके प्रोटॉन सेक्स होंगे उसके न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट हो सकते हैं उसके हर चीज डिफरेंट हो सकती है अच्छा ये वैसे यू कैन आंसर नियॉन इज नोबल गैस इट एग्जिस्ट एज सिंगल है ठीक है ठीक है या फुल शेल

मतलब मतलब टेबल में अरेंजमेंट अकॉर्डिंग किस चीज के हुई है पहले नंबर कौन सा होगा दूसरे नंबर पर कौन सा एलिमेंट होगा तीसरे पे कौन सा होगा मैं मेरे कि हाइड्रोजन को नंबर 1 पे क्यों डाला हुआ है सबसे टॉप पे क्यों डाला हुआ है और फिर क्यों डाला

सेवन अपॉन ए वन एट नाइन सेवन वन अपॉन फोर एट नाइन सेवन एटीन थर्टी सिक्स है क्या पता नहीं ऐसे कुछ है मतलब एटीन फोर्टी एटीन थर्टी सिक्स है, है? ठीक 1, है नॉट वन एट नाइन सेवन मतलब वन एट नाइन सेवन मैंने कभी नहीं पढ़ा hmm. अच्छा न्यूट्रॉन की मास और प्रोटॉन की मास सेम होती है चार्जेस क्या असल नेक्स्ट वन आटम्स कंटेन चार्ज पार्टिकल्स बट दे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज़ दे हैव नो ओवरऑल चार्ज तो एक्सप्लेन करनी है कि वाया आटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रल रीज़न क्या है कोई भी आटम है वाई इसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल दे हैव इक्वल नंबर ऑफ डाउन इलेक्ट्र� द नेक्स्ट पार्ट हम्म अगर खुद ही चेक करना हो कि दो मार्क्स मिलने नहीं मिलने तो कैसे चेक कर सकते हैं कैसे अगर खुद ही चेक करना हो कि दो मार्क्स कंफर्म हो गए इसमें नहीं हुए वो ये कि ये ये पेपर नंबर है ना ठीक है तो इसमें करना ये कि ये टाइप कर दो वैसे इसका चेक करना है ना इसकी तो इसकी तो आ, मार्किंग की भी है मेरे पास नहीं मार्किंग नहीं मार्किंग स्कीम नहीं बोल रहा वैसे बोल रहा जो लिख रहे होंगे

ठीक है एंड ऑलवेज रिमेंबर के आंसर्स uh, को चेक जरूर किया करो मेक श्योर यू कंसल्ट अ मार्किंग स्कीम एंड अ मार्किंग की के उसके अंदर कैम्ब्रिज वाले क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि साइंस सब्जेक्ट्स में ना दिस इन साइंस सब्जेक्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप योर एक्सप्रेशन ब्रीफ टू द पॉइंट और ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करनी मतलब ये ज, जो चीज है ना बहुत वो अक्सर जो मैं बच्चों का देखता हूं क्वेश्चन से से आंसर स्टार्ट हो रहा था फिर पे साइडों में जल, चल रहा होता है, करके न, पे लिखा होता है तो ब्रीफ टू ना वो थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी इंग्लिश uh, को थोड़ा सा सिंपल करना पड़ेगा जो इंग्लिश आप यूज करते हो ना जस्ट मेक इट मोर डायरेक्ट मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड टू द ये ऐसी काफी मुश्किल काम है बहुत सारे बच्चों को ना आंसर करना नहीं आता लेकिन उसकी उसकी हैबिट डेवलप करो साइंस करना एटलीस्ट अच्छा आठ तो सेम एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट मैसेस इसका क्या आंसर होगा व्हाई कैन दे हैव डिफरेंट मैसेस ठीक है uh, तो दे कैन फॉर्म आइसोटोप्स लेकिन दो मार्क्स हैं तो थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब भी करना है कि आइसोटोप्स में व्हाट हैपेंस हम देयर इज अ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ठीक है सो दे हैव द सेम नहीं लेकिन सारा बताओ वो दे हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट अच्छा मतलब कैसे हो की डेफिनेशन दे दी हाँ मतलब एक्सप्लेन करना है ना कि व्हाई कैन दे हैव डिफरेंट मासेस एक तो वो हो गया कि आइसोटोप्स <laughs>

तो कह रहे हैं यहां से लेके यहां तक ना बीच में कोई मिसिंग एलिमेंट नहीं है हाउ कैन दे बी श्योर के देयर इज नो मिसिंग एलिमेंट ये कॉमन सेंस यूज करो क्या रीजन हो सकती है सो देयर वुड बी अ मिसिंग प्रोटॉन नंबर लाइक हां क्योंकि hmm? हर प्रोटॉन नंबर पे तो एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ हुआ है मतलब 28 थे तो मेरे 28 हो गए 28 सो so, तो इसको वैसे लिखोगे किस तरह मैं लिखना तो यही है नो गैप्स एज एलिमेंट्स आर अरेज अकॉर्डिंग टू प्रोट और नंबर्स मैं बाय निकल हूँ जो नो गैप्स नो गैप्स ही लिखे ना मैंने क्या लिखा लिख है ऊपर जाके वो जो भी आइटम है किसकी बात कर रहा है सी, सीजीएम की बात कर रहा, वो से देखो और आ, देख लेते जल्दी से क्या होगा सीजीएम अच्छा थोड़ा बहुत ना जस्ट मेक श्योर के खैर वो प्रैक्टिस करने से ना थोड़ा बहुत ही फेमिलियरिटी हो जाएगी कि इफ यू इफ यू लुकिंग फॉर सीजियम तो आपको फॉरन पता लग जाएगा चाहिए सीजियम यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स कितने न्यूट्रॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स है हैं इसके कित, है तो जी सर 50 प्रोटॉन 50 इलेक्ट्रॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स कितने हैं सबट्रैक्ट करो 78 न्यूट्रॉन्स तो ठीक है वो उधर हम लिख देंगे अगला जो पार्ट है टेबल अच्छा अगला पार्ट है कि आपने सिंबल्स दे रहे हैं मेरे ख्याल से उसने कहा होगा हां कंप्लीट टेबल

गोर्टेई मिसे एन तो ठीक है सोडियम तो ये तो पता लग गया सोडियम है सोडिय अब मुझे तो कि इस जो सोडियम दिया हुआ है प्योर टेबल को ना रिलाय करो उस वो, वो ये चीजें चेंज कर सकता है उसने कोई आइसोटोप भी बनाया हो सकता है ठीक है प्रोटॉन नंबर क्या होगा आई मीन दिस इज द प्रोटॉन नंबर तो वो जो नीचे वाला नंबर है दैट इज 11 राइट ऊपर वाला नंबर क्या होगा इसका ऊपर वाला नंबर निकलता किससे है एडिंग ठीक है इसको और इसको ऐड करना है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को ऐड करोगे तो 23 बनेगा खाली पीरियड टेबल में भी ये. है अच्छा बताओ कि चार्ज क्या होगा कि नहीं होगा नहीं होगा से ठीक है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तो बराबर है आर इक्वल इज इक्वल तो चार्ज कोई नहीं है अच्छा अगला वाला कर लेते हैं कि नंबर सी 18 पे जाके देखो कि क्या है uh, 18 इज आर्गन ठीक है तो ये आर्गन है और उसका नीचे जो नंबर होगा वो 18 होगा ऊपर क्या होगा इट इज 47 18 इज स्टार्टिंग ठीक है कोई चार्ज होगा नो ठीक है नो चार्ज उससे अगला वाला बताओ कौन सा

चार्ज क्या होगा ठीक है नेगेटिव होगा क्योंकि तीन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और ये लास्ट पे थर्टीन पे कौन सा ठीक है थर्टीन पे एल्युमिनियम है अच्छा थर्टीन पे एल्युमिनियम है और कर लेते हैं ऊपर ट्वेंटी सेवन होगा चार्ज क्या होगा इसका सर पॉजिटिव 3 ठीक है पॉजिटिव 3 विनाइल क्लियर है सारा यस yes, सर अच्छा अगला पार्ट व्हिच एटम इन द टेबल इज एन आइसोटोप ऑफ द एटम व्हिच हैज द कंपोजिशन हां उसे एक एटम की कंपोजिशन दे दी है वो कह रहे हैं इनमें से कौन सा जो है वो इसका आइसोटोप है ए बी सी डी ई में से सोडियम ठीक है ना मतलब सोडियम है क्योंकि आइसोटोप क्या होता है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो बी के ना यस सर एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो भी बी के ही है उसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी है क्योंकि उसने दो मार्क दिए हैं तो पहले तो आप सोडियम कोगे यानी बी और फिर उसके बाद बताओगे के दे हैव द सेम मतलब फिर आगे पूरी वाइसरोप की कहानी लिख दो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रोटोन ऊपर लिखे होते हैं क्या लिखा होता है प्रोटोन कभी ऊपर लिखे होते हैं हाँ वो मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने कहा उससे कंफ्यूज नहीं होना वो Uh, ये इनकी पोजिशन जो है ना वो ये जो ये जो प्योर टेबल है ना ये आपका प्योर टेबल ही है आप लोगों का प्योर टेबल ये है वो मैं खोल के भी दिखा देता हूँ uh, जीरो मिलेगा मैं वो कह रहा हूँ कि एग्जाम वाले दिन भी ना वो जो कैम्ब्रिज वाले ना वो कोई पुराना प्योर टेबल भी उठा के दे सकते हैं ठीक है तो अच्छा। so, uh, तो उसका ख्याल रखना ये मैं आप लोगों का भी ना uh, पता नहीं यहाँ पे कहीं एंड में ना सर्च कर लेते हैं पता नहीं कौन एंड पे सर हम एंड में लाइजी से ये बीच में निकल गया अच्छा ये आपका ना प्योर टेबल दिया हुआ है ठीक है इसका वो देखो उल्टे हुए में और ये एक फिर वो ही रहा रुक जाओ ये आया था अच्छा ये आप लोगों है ठीक है जो मोस्ट लाइकली आपको एग्जाम में मिलेगा तो उसके अंदर याद रखो अभी जो लेटेस्ट चल रहा है ना उसमें वो उल्टा हुआ हुआ है प्रोटोन ऊपर है और मास न्यूक्लियर नीचे तो जबकि आपके आप जो पास कर रहे हो ना अभी सी के उसमें जो भी हम कह रहे हैं उसमें भी देख लो कि उसमें, जो उसने सिंबल दिया उल्टा दिया हुआ है ठीक है तो इवन आई जी का अभी जो करंट चल रहा है ना जो अभी हमने सबसे लेटेस्ट खोला है करंट जो चल रहा है आप उसको फॉलो करोगे लेकिन उसका मतलब एंड में ना एग्जाम से पहले ये पॉइंट बना लेना कि ये याद रख लेना कि अगर वो किसी भी आइटम का सिम्बल मांगेंगे ना तो जस्ट मेक श्योर के प्रोटोन नंबर ऊपर होगा और न्यूक्लियर uh, नीचे होगा वो की उन्होंने दी हुई हो होगी ठीक है सांग, है अच्छा ठीक है वो पुराने सी ये करेंगे तो ये ऊपर नीचे चल रहे होते हैं, इनकी चेंज हो रही होती है बस उसमें उस तरह याद कर लो पोजीशन की बजाय ऊपर कौन सा नीचे कौन सा उस करो कि बस एक छोटा नंबर होता है और एक बड़ा नंबर होता है वो खुद ही ढूंढ लो कि वो ऊपर है या नीचे है, है? अच्छा दिस वन इनकी मैं बता ज़िंक इस थर्टी तो इनकी मुझे जिंक की बताओगे क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक बस थर्टी है तो प्रोटॉन्स कितने होंगे थर्टी प्रोटोन थर्टी इलेक्ट्रॉन थर्टी इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे <laughs> नहीं सर चार्ज क्या इसका थर्टी टू होगा सॉरी ट्वेंटी uh, एट होगा ठीक है बिनाइल क्लियर है यस yes, सर अच्छा न्यूट्रॉन्स कितने होंगे वो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो दैट वुड बी थर्टी फाइव सिक्स नहीं है थर्टी फाइव है ठीक है क्लियर है

करो। अच्छा, ये वो आ गया, बड़े का। तो मैंने क्या कहा था कि किस तरह इलेक्ट्रॉनिकेशन जाके देखोगे कि कितने उसके अच्छा वो तो उसने खुद ही बता दिए उसके नंबर ऑफ शेल्स राइट

और ये वर्कशीट भी मैं शेयर कर देता हूँ ठीक है और व्हाट्सएप ग्रुप oh, पे शेयर से कर देता हूँ चले ओके ठीक है ओके सर अल्लाह हाफिज़ सर सर मैंने कुछ पूछना था जी जी सर मैंने पूछना था कि आपने जो कल के इक्वेशन बताया था कल परसों एक टू एन स्क्वायर ये सिर्फ uh, बड़े एलिमेंट्स uh, के लिए यूज होता है उनके कॉन्फ़िगरेशन के लिए हाँ मतलब वो जैसा अगर वो ये एटीन ना लिखा होता तो आपको किस तरह पता लगता कि ये एटीन है मतलब या तो याद कर लो कि थर्ड शेल एटीन होता है या वो टू एंड स्क्वा कर लेते हैं कि कि थर्ड शेल एन की वैल्यू थ्री होती थ्री स्क्र क्या होता है नाइन होता है नाइन इंटू टू एटीन क्लियर जो, <laughs> जो चौथा शेल होगा जो चौथा शेल होगा अगर उसके याद नहीं है कि उसके अंदर तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं तो वो भी टू एंड स्क्वा करो तो फोर इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं राइट right? तो असल में वो अप्लाई छोटे आइटम में भी, भी करता है लेकिन वो छोटे आइटम में इतने इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते कि वो वो पहले दूसरे तीसरे शेल भी खत्म हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो जो फर्स्ट ट्वेंटी तक है तो इसलिए हम टू एट एट याद कर लेते हैं उसके लिए क्लियर है बिनाइल यस सर यस सर थैंक यू अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़